तुमने जो कुछ करना है अपने दोस्तों के साथ मानो के साथ मिलकर करो। मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है तुम्हें। अच्छी लग रही हो वैसे। लाइन मारे हो मुझे? लाइन का तो पता नहीं, लेकिन 60 सेकंड में 160 बार दिल जरूर धड़का है मेरा। अपनी मानो को बना देना मेरे गौहर की दुल्हन, अगले महीने ही बारात ले आऊंगी। लट्टू कहाँ है? उधर है। अच्छा, ये कौन है? गौहर की अम्मी। बड़ी खुश लग रही है अम्मी गौहर की अम्मी के साथ। प्रपोजल आया गौहर का मानो के लिए। अच्छा, गौहर वैसे अच्छा लड़का है? क्या खाक अच्छा है, मुझे तो लगता है उसने अपनी कजन बबली को भी कई ख्वाब दिखा रखे हैं। कुछ कहा है उसने? हर बात मुंह से कहने वाली थोड़ी होती है भाभी, कुछ चीजें इंसान को खुद भी फील कर लेनी चाहिए। हाँ, जैसे मुझे और चच्ची को फील हुआ था कि शायद तुम मानो को पसंद करने लगे हो, लेकिन शुक्र है अल्लाह का ऐसी कोई भी बात नहीं है। फर्ज करें अगर पसंद कर लेता तो फिर तुम कवारे ही रहते, ये शादी कभी नहीं होनी थी। क्यों? चच्चा चच्ची ने नहीं माना था, और अगर मान भी जाते तो बाबा और अम्मी ने साफ इनकार कर देना था। फर्ज करें वो भी मान जाते तो मैं ना मानती। मतलब मानो मेरी सगी बहन है, लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। चलो। कबाब में हड्डी? क्या? कुछ नहीं, वो फंक्शन पे कबाब में हड्डी निकल आई थी। आप कंफ्यूज ना हो, चलें। मोहब्बत अभी हुई नहीं तो ये हाल है तुम्हारा, हो जाएगी तो झांस की तरह इधर उधर डोलते फिरोगे। असवन बेटा संभल जा, आशियाना नूर से आगे जहान और भी है। हाय अनवर, जरूर की हो गया, जीन तो नहीं चमड़ गया तुझे? है हवा से क्यों लड़ाइया कर रहा है? नहीं वो मच्छर तंग कर रहा था। मच्छर तक तो ठीक है पुत्र, तेरा बच बचा के रहना तो मुड़ी ना पीछे पै जाए। बात तो समझ आ ही गई होगी तुझे। जी नहीं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, कहना क्या चाह रही है? आई मीन ये जो तो पींगे डाल रहा है ना ताई की खुड़ी नाल, ऐसी नजदीकियों से कभी कभार ऐसा चन चढ़ दिया है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ 100 लीटर हो मेरे। रात के इस वक्त ये बताने आई है आप मुझे? हेडेक हो रही है, दवाई दे दो। इससे पहले कि आप मुझे हेडेक देना, ये लें दवाई, खाएं और जाके सो जाए। वासकिन, मेरा जानू पुत्र। इस वक्त मैं आपका कोई काम नहीं करूंगा, जितने मस्के लगाने लगा ले। निका जी ग्लास दूध का गर्म कर दे, उसके अंदर 2 चम्मच शहद और 1 चुटकी हल्दी, बड़ी दुआएं दूंगी दिल से। अच्छा ठीक है, यहीं बैठी रहे, ले आता हूँ। बिल्कुल मेरे उतर गया। आधी रात को क्यों लेक्चर दे रही है माँ? कल रुखसती है तुम्हारी, फिर कहाँ हाथ लगोगी मेरे? अच्छा तो दीजिए अगला भाषण, मैं हमतंग गोश हूँ। कान खोल के सुन लो बिट्टू, तन्नो ना सिर्फ कुकू की बड़ी बहन है, वो तुम्हारी बड़ी भाभी भी है। ये बात तो सारी दुनिया को बता अम्मा। और ये बात तुझे सारी दुनिया नहीं बताएगी कि रिश्तों को इज्जत और मान देना पड़ता है, तभी घर बसते हैं। मैंने कौन सा यहाँ रहना है अम्मा? और क्या दूर रहने से रिश्ता खत्म हो जाता है? माजी में जो कुछ भी हुआ है ना बिट्टो, उसको यहीं दफन करके जाना अपने ससुराल।
और वैसे ही रहना जैसे निदा यहाँ रह रही है, सबको इज्जत और मान देकर। जी मेरी प्यारी अम्मा, ऐसे ही रहूंगी। वैसे अम्मा, आपने नोट किया मानो और असफी कितने प्यारे लग रहे थे ना साथ? आए, बड़ी ख्वाहिश थी मेरी मानो को असफी की दुल्हन बनाने की। रहने दे अम्मा, निदा का मिजाज और है, तभी तो ऐसे घुल मिल गई है हम सब में, सारे ऐसे नहीं होते। लड़कियां सब एक जैसी होती हैं बेटा, मोहब्बत के जिस सांचे में डालो उसी में ढल जाती हैं। और अगर असवंत से मोहब्बत होती ना तो वो भी अपना दिल और घर निदा की तरह बसाती। वैसे अम्मा लविंग और केयरिंग तो बहुत है मानो, और शाजी भाई के घर सबसे ज्यादा उसी ने ही मुझे सपोर्ट किया है। अच्छा, अब गार की तरह से मुंह ना खोल, जाके सो जा। जा रही हूँ, आप भी सो जाएं, बहुत देर हो गई है। हीरो, जाग रहे हो अभी तक? नहीं, नींद में चल रहा हूँ मैं। अम्मी को दूध गर्म करके देना था, ड्यूटी कभी खत्म होती है मेरी। अम्मा से कहती हूँ तुम्हारी भी शादी करा दें, कैसे मिस्कीनों की तरह सारा दिन घर में काम करते फिरते। आप शुक्राने के नफल पड़े गए, आपकी शादी हो गई है, नहीं तो पूरे मोहल्ले की लड़कियों के ना शादी कार्ड छुपाने पड़ते हैं हमें। वो मेहंदी वाले हाथ में मुंह पे छाप देने। आज छाप ही दे, कम ऑन। अब हाँ बेटा, फराज देख लेना, कोई कमी पेशी ना रह जाए, बेटी का मामला है। अरे मैं भी जानता हूँ घर की बात है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कोई बात सुननी पड़े इस मामले में। ठीक है बेटा। अब अमिया, मेरी गाड़ी कहाँ? अब कुकू लेके गए, कोई बाला वाला जाना था। क्या मुसीबत है, मैं कैसे जाऊंगी? चलो मैं असफी से बात करता हूँ। ओके थैंक यू। भाई यार, आप एक ही दफा सारे काम क्यों नहीं बता देते? नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं गाड़ी में जाके बैठ जाता हूँ, आप देते रहे ऑर्डर। अच्छा अच्छा, दे आता हूँ बिट्टू पापा को ज्वेलरी। कॉल की फराज में तुम्हें? जी मैं नौकर, मैं खादिम हुसैन। अब दे मुझे बिट्टू पापा की ज्वेलरी। नहीं बंदा कम से कम घर से निकलते वक्त चीजें तो पूरी लेके जाए ना। मैं देख रही हूँ रात से मूड बहुत खराब है जनाब का। अबे भाभी यार, चार चक्कर लगा चुका हूँ बाहर के, हर दफा कोई नई फटीक पड़ जाती है। लो जी, अब इनको भी कोई काम याद आ गया होगा। कॉल तो अटेंड कर लो। जी अब्बा मियां, हुक्म। जी ले जाता हूँ आपकी सवारी को, उसे कहें बाहर आ जाए। क्या कह रहे थे? आपकी हमशीरा ना 16 सिंगार कराने जाना चाहती हैं पार्लर। वैसे इतने चक्कर तो बिट्टू आपा नहीं लगाए जितने ये मोहतरमा लगा रही हैं। अच्छा ज्वेलरी देना। हाँ मैं लेके आती हूँ, साथ चलता हूँ आपके। बहुत सीरियस लग रहे हो। तुम्हारे लिए नहीं हो सीरियस, हो भी नहीं सकते। जाहिर है तुम कोई प्रिंसेस थोड़ी हो जो कोई शहजादा आएगा सात समंदर पार तुम्हारे लिए सीरियस हो क्या? आ भी सकता है। हाँ तुम्हारे ख्वाबों में। बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तुम मुझे। मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं तुम्हें ओवर एस्टिमेट करूं। इतनी तो प्यारी हूं मैं, कल रात को तुम्हीं ने तो एडमिट किया खुद। रात कही सो बात कही। अच्छा चलो, अच्छा है मुझे ये तो पता चला कि तुम अपनी बात से मुकर भी जाते हो। हाँ बस ऐसे ही हूँ मैं। अच्छा ये बताओ कि कल गौहर पे क्यों इतना नाराज हो रहे थे? वो एक मिनट के लिए फर्ज कर लिया था तुम हमारे खानदान की लड़की हो, इज्जत हो हमारी। उसने कौन सा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह किया था? शराफत से रिश्ता ही तो मांग रहा था मेरा। यार वो तुम्हें अच्छा लगता है तो सिंपली हाँ कर दो। मेरी हाँ या ना तुम्हारी राय की मोहताज नहीं है। जाहिर सी बात है, मैं लगता ही क्या हूँ तुम्हारा, महज एक क्लास फेलो और एक दोस्त कच्चा पक्का सा, जिसे मानने से कभी कभी तुम इनकार भी कर देती हो। थैंक यू। वापसी में पिक करूं तुम्हें? नहीं, मैं गौर को कह दूंगी वो मुझे पिक कर लेगा। बाय।
जी निक्का जो सलीका सारी जिंदगी हो गई मगर तुम्हें सलीका नहीं आया। फ्रेंकली एक बात करूं माँ जी, ऐसी जली सरी बातें ना आपको सूट नहीं करती, उसके लिए आपके बेटे हजूर उर्फ मेरे शरीके हयात काफी हैं। अरे भाई हुआ क्या, जरा दिखाओ तो सही। जल गया है, अंदर चले नया जोड़ा निकाल देती हूँ। सिंपल, निदा की शादी में भी तुमने मेरा एक जोड़ा जलाया था। हाँ चलो जी, पुराने खाते और नए सियापे खोल दें आप, हैं अभी टाइम नहीं है, आपकी बहन की शायद बारात है। सलीका असफी कहाँ है? बिट्टू को पार्लर से पिक करना है, वो फोन पे फोन किए चली जा रही है। क्यों नहीं माँ जी, आपकी बेटी को इश्क वाला लव जो हुआ है। अच्छा सुने, असफू को चाबी दे दे, पता नहीं क्यों और क्या कर रहा है वो, उसका सिंगार ही नहीं खत्म हो रहा। फेंक दूं? अच्छा चले फिर, वो नया निकाला हुआ है बड़ा अच्छा है, बल्कि इससे ज्यादा अच्छा है। अभी तक तैयार ही नहीं हुए। मैं तो तैयार हो जाऊंगा, तुम तैयार हो जाओ, तुम इतने टाइम लगते तैयार होने में। तो मैंने इतने काम करने थे, सारे घर वालों को रेडी करना था, आप बैठे हुए यहाँ पे। कपड़े कहाँ है मेरे? तो वो तो अलमारी में कब से रेडी करके रखे हुए। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे कपड़े अलमारी में? बंद करें। अच्छा मैं तो तैयार हो जाऊंगा, तुम जाके एसवी को बोलो कि वो जाके पिट्टू पापा को पार्लर से पिक कर ले, वरना बी अम्मा का ब्लड प्रेशर हाई हो जाना। अच्छा ना, आप जल्दी करें, जाए कह दे शिव चले। अब्बा मियां, अरे ओहो क्या कर रही हो, हमारी शादी थोड़ी है। जिसकी शादी हो तो सलोन से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तो ये खुशबू हमारे कपड़ों से 15 दिन से पहले निकलने की नहीं है। अब्बा मियां, अब इतनी ज्यादा भीड़ लगाई है मैंने, हलक में आ गया हमारे। कोई बात नहीं, भी अम्मा के दिल तक भी पहुंच जाएगी। बदतमीजी मत करो, दादा हैं तुम्हारे हम। आप तो मेरे बेस्ट बनी है। वाह 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 वाह, यहाँ पर आप दोनों का लाड प्यार खत्म नहीं हो रहा, वहाँ पे तनों ने पूरा घर सर पे उठा रखा है। अरे कौन सी नई बात है, तो रोज की बात है, अब तक तो आदत हो जानी चाहिए तुम्हें। हाँ आदत तो होगी अब्बा, लेकिन बिजली तो अचानक से आ गिरती है ना। अभी बताती हूँ उन्होंने। अभी तो अपने भाई को बता रही, मुझे क्या बताए। कुकू मैं तुझे बता रही हूँ अच्छी तरह है, तूने ना अपनी बखिया सिखवा लेनी मुझसे, और बरात वाले दिन पोली पोली टोलकी बजवानी है। जल्दी निकल सलोन से, अब मैं बिल्कुल तैयार खड़े हुए यहाँ पे। आपको मैंने भेजा था कि मानो को बोले तैयार हो, हैं वो तो वैसे की वैसे खड़ी थी, आप कौन सी खेड़े खेल रहे हैं। गरीमुल्ला की अजान यहाँ पे कौन सुनता है? अम्मी तो सुनती है। अच्छा चल ना मानो, मेरा भी मेकअप करना है, मुझे भी तैयार कर दे, जल्दी आओ। अरे चाहूंगी तैयार हो तुम भी जाके, इस कदर देर हो गई है, इसको वक्त की पाबंदी का एहसास ही नहीं। असफी किस चीज का सोग मना रहे हो तुम पोस्ती बन के, टाइम देखा है तुमने? उठ रहा था भाभी। नहीं नहीं रहने दो, मैं क्रेन मंगाती हूँ तुम्हें उठाने के लिए। आप हुक्म करें, हम दुनिया से ही उठ जाते हैं। अल्लाह ना करे, दिमाग ठीक है तुम्हारा, कैसी बातें कर रहे हो? मजाक कर रहा था भाभी। ऐसे मजाक करता है कोई? क्या हुआ है, क्यों मुंह लटका रखा है, तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक? थक गया था यार, सुबह से इतने चक्कर लगवा लिए लोगों ने। ये काम वाली थकान तो नहीं लग रही मुझे। मेरी माँ मुझे मशकूक नजरों से देखने की बजाय मेरा शादी का ड्रेस निकाले, मैं बस 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। असफी सच से बताओ क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ भाभी, वाकई थक गया था, अब क्यों परेशान हो रही है? ओके असफी जा रहा हूं। शाहजी भाई जरा देख के। अरे क्या देख के? फिर काम उतर जाता आपका, तुम्हें तो खुशी मिलती ना। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तो भलाई करना मुझसे सीख लेते, आप कुछ अच्छा सिखाई देते मुझे। हाँ जैसे तुमने मेरी बेटी को सिखाया है, अपने वालदैन को नीचा दिखाना ऐसी। कम से कम आज के दिन तो ये बातें ना करें, चले आए चले। रुको यहाँ पे, मेरे बाद आना। अच्छा ठीक है, मैं क्यों रुक गया? क्या यार बबली, कम से कम तुम्हें तो शिरकत करनी चाहिए थी ना हमारी तरफ से, तुम जाकर बारात में शामिल हो गई हो। असफी अब मैं बाद में बात करता हूँ। जी भाभी। लट्टू को देखा है तुमने? पता नहीं कहाँ है, यहीं कहीं होगा। नहीं मैंने पूरे हॉल में देखा है उसे।
मुझे लगता है वो बाहर चला गया होगा। मैं जाकर देखता हूँ। ठंडी खाएगा है मुझसे। रात आ गई। नहीं बस मेरा ख्याल आने वाली है। क्या हो गया भाई? अरे रात ना ये साहब हम भी थोड़ा सा नाच लेते हैं। क्या हूँ शर्म कर। निता किसको दे दी है? कैसे नाच रहा है फराज शुजा साहब? हाँ तो वो तो रोड़ा रहा। मैं भी जरा सा हो गया। हम राशि नहीं वो है। ये मुन्ने के लड़के तो पूरे बरासी हैं। दिल कैसे नाच रहे हैं। रात भी पूरा सो रहे ही कर रहे हैं वैसे। आप लड़की वाले हैं, मैं तो लड़के वाली हूँ। मुझे तो थोड़ा सा नाचने दे। हाँ ताकि वो हमें कहें बहुत अच्छी मरासम है। जवाब के लिए तो मुझसे दे देना। खुद क्यों नहीं बनाते हैं? अरे कुकू आ तो जाए ना, फिर मेहमान वगैरह आएंगे इधर उधर ना चके। तुम बना देना। ओके ठीक है मैं बना दूंगा। अच्छा हम दोनों की तरफ से। हाँ चलो। सोना कपल लग रहा है माश। हाँ तनिये नसचमी। शर्म करे सब देख रहे हैं। आज तो किसी की परवाह ही नहीं है मुझे। हाँ हाय वीर जी जरा हाथ तो औला ते शोकिया कम। अच्छा सुनी काफी इतने अरसे के बाद टाइम मिला है शोफियों का। टाइम से याद आया मुनीर जी मेरी तरफ ताकि हमारी बिट्टो और उसके टाइम की कदर कर। हाय थैंक यू। रुके ओ भाई इधर आओ तस्वीर तो लो। आजा आजा। मुन्ना नजर नहीं आ रहे मुनीर जी। एक और देना नजर आ रही है ना गाड़ी बाजी पे नाते दे भी तस्वीर ले लेना। चलो तुम आते हैं तस्वीर ले। वीडियो बनती है। चल छोड़ होचे नहीं होते। ये स्वाद बेटो बस सवाल कर दे थोड़ा है। माशाल्लाह बेटो यू लाइक बहुत है। ये डब्बा डुब्बा भी रख दे और तो पास। और थैंक यू आप भी थैंक मोस्ट वेलकम वीर जी। पता था मुझे यही कहीं नम्मल का जज्बात बन के बैठी हुई होगी। हाँ आप भी शहनशाह जज्बात बनेंगे जब बिट्टू की रुखसती होगी। फिर इस बात की तो तसल्ली होगी ना कि वो अपने घर में अपने शौहर के साथ खुशी से रह रही है। यही सोचकर मैं अपने आप को तसल्ली दे रही हूँ।
वरना बिट्टू का बहुत सहारा है मुझे। पर हमने एक बात सोच ली है तबस्सुम जहां। अच्छा बस, अब कोई ऐसी वैसी बात करके तबस्सुम जहां से उसकी तबस्सुम ना छीन लेना। अरे नहीं भाई, हमारा कोई इरादा नहीं आपकी मुस्कुराहट छीनने का, लेकिन हमने फैसला कर लिया है कि चाहे शज्जी और मुन्ने में सुलह हो या ना हो, बिट्टू की रुस्सती के बाद हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ है तुम्हें, इतनी अफसरदा क्यों हो? ऐसा कुछ नहीं है असफी। कम ऑन यार, हम 4 साल बैचलर्स और 2 साल मास्टर्स इकट्ठे गुजार चुके हैं, इसलिए कम से कम तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स आफ्टर ऑल। तुम गलत सोच रहे हो, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम सच भी तो नहीं बता रही? आज मेरे पेरेंट्स की बरसी है, अगर तुम्हारी पप्पू की शादी नहीं होती तो शायद मैं आज आती भी ना। ओह, आई एम सॉरी टू हियर दैट। 15 साल हो गए उन्हें। मैं छोटी थी जब खाला अपने घर लेकर आई, हमेशा गौहर से ज़्यादा अहमियत दी मुझे। वैसे बात तो पर्सनल है, लेकिन उन्होंने गौहर के लिए कभी तुम्हारा नहीं सोचा क्या? अब मैं क्या कह सकती हूँ। क्या हो अबली, परेशान लग रही हो? मानूर अभी नहीं, अभी हमारी पर्सनल बात चल रही है। एक्सक्यूज मी, वो मेरी भी दोस्त है। तो मैंने इस बात से कब इनकार किया यार, और अभी प्लीज जाओ, कहा ना पर्सनल बात कर रहे हैं हम। थाड़ में जाए तुम्हारा पर्सनल। क्यों खफा कर रहे हो तुम उसे? वो है ही इस काबिल। तुम उसे छोड़ो, तुम ठीक हो? अस्सलामुअलैकुम। लो भाई, खुश रहो। आ गया मेरा मुन्ना अपने चूस में। कुकु, ये लफाफा जो है ना सलामी का, ये बिट्टो को दे, चल शाबाश। तुम्हारे सारे बल निकाल देगी, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे अपनी बहन पर। शुजी भाई, आप तो मेरा साथ दे। भाई ये लो तुम लोग दोनों सलामी का चेक, 5 लाख रुपए। दौलत की नुमाइश। बेटा एक काम करना, बेटा है ये जो चेक है ना, इसको फ्रेम करा के गले में लटका लेना। जाली नहीं है जो फ्रेम करवाना हो। बिट्टो और कुकू, तुम दोनों हनीमून पे जाना इस थलामी के साथ है, कोई जजीरे पे। ये अच्छी बात की है सलीका ने। हाँ, और ऐसे करना कि 5 लाख में से जो पैसे बच जाए ना, उससे जजीरा ही खरीद लेना। मुनीर जी, तुहानू भी स्मेल आ रही है ना, कोरवे दी देख थले लग गई है, हैं जलने दी बू आ रही है चारों पासे। छोड़ो भाई इन बातों को, जो भी रस्में करनी जल्दी करो, टाइम कम है हमारे पास। हनीमून, जजीरा। गुस्से में ना ट्रेन का धुआं छोड़ती इंजन लग रही हो। किसी दिन इसी ट्रेन के नीचे आएगा ये जंगली कबूतर। कौन, असफी? और कौन इतनी चीप हरकतें कर सकता है? हाँ, वैसे कल से मैं भी नोट कर रहा हूँ, इसकी हरकतें थोड़ी अजीब हुई हुई है। दिमाग का फ्यूज उड़ गया इसका, देखो कैसे जुड़ जुड़ के बातें कर रहा है बबली से। करने दो यार, तुम्हें क्या इशू है? याद नहीं है कल तुमसे कितनी बदतमीजी कर रहा था जब तुम मुझसे बात कर रहे थे? यार मेरे ख्याल में ना थोड़ा पोजेसिव है तुम्हारे मामले में। पोजेसिव नहीं, कंजर्वेटिव हो तुम। जाके बुलाओ ना बबली को। बुरा लगता है यार, दोनों दोस्त हैं आपस में, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। पता तो चले कि चल क्या रहा है दोनों के दरमियान आजकल। मुझे क्या पता यार। खैर तुम छोड़ो, तुम ये बताओ कि मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है? यार अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, टाइम नहीं मिला मुझे। टेक इट इजी यार, अम्मी ने भी पता नहीं किस धुन में बात कर दी है, और सच पूछो तो मैंने भी आज तक ऐसा सोचा नहीं था। थैंक यू यार, मैं तो परेशान ही हो गई थी कि अच्छा दोस्त निकल गया हाथ से। अब इतनी सी बात पर हमारी दोस्ती तो खत्म होने से रही। अरे चुटकी, कितनी प्यारी लग रही हो। मानो खा ले जल्दी है, दोस्त लाई की रस्म हो रही है। हैं? चले चले स्टेज पे चलते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ।
देखो दादा, आपको पूरा दूध फिनिश करना है। दादा नहीं, नाना है। ओए नाना, दादा के चक्कर में मेरे जज्बात का तो खून मत करे ना। अरे चले छोड़े इस बात को, निंदा भाभी भारी सी डिमांड पेश करें। गौहर, तुम हमारी तरफ से हो ना, ज्यादा लोटा बनने की जरूरत नहीं है। असली बताएगा डिमांड। हाँ भाई, आज कोई पाकिस्तानी नोट नहीं चलेंगे। शराफत से 5,000 दिरहम निकालें जल्दी। बेटा तुम तो चुप ही रहो तो बेहतर है। कुकु मामू, इसको तो हर बात में टांग अड़ानी होती है। मैं तो सिर्फ टांग अड़ाता हूँ, तुम तो दूसरे की टांग तोड़ देती हो। चले कुकु मामू, जल्दी निकालें पैसे। कभी देखे भी इतने पैसे? नहीं नहीं, मैंने तो जिंदगी में नहीं देखे, इसलिए तो मांग रहा हूँ। क्यों भाभी? उन्निदा, तू तो मेरा वोट ना पक्का है, ये क्या होगा? हाँ मानो, वो ये गिन ले, 5,000 के 4,000 नोट है, ज्यादा नहीं होने चाहिए। पर सही तरह से लगा ना वापस पे ना। देखा कुकु मामू, इसकी बदतमीजी देखी आपने? बदतमीजी नहीं बेटा, हक है हमारा। कुकु मामू, ये तो कम लग रहे हैं, बाकी भी निकाले जल्दी से, हमारे पास टाइम नहीं है। कुकु मामू, 1,00,000 से 1 रुपया कम नहीं होगा। कुकु मामू, इन लोग को 1,00,000 रुपए ना व्हाट्सएप कर देना, तो कभी समझे देखे ही नहीं। जानापन तो देखो जरा। अच्छा बस ना, बहुत काफी है 20,000। क्या भी अम्मा, ये तो सिर्फ 20,000 रुपए है, इतने में तो आइसक्रीम भी नहीं आएगी। तो तुम्हें कितने चाहिए? 20,00,000? फिर तो गुर्दे ही बेचने पड़ेंगे, और तब तक के लिए इंतजार फरमाएं। तो फिर ऐसा करें, थोड़ा इंतजार आप भी करें, हाँ, क्योंकि इतने पैसों में दूध का सिर्फ एक घूंट बनता है। नहीं नहीं बेटा, तू तो उस साइड से है ना? इसी साइड से हूँ यार। थैंक यू। और चाचू मेरे हैं सर। चुटकी, पैसे तो आप गुमा दोगी ना, मैं ऐसा करता हूँ बाजार से आपको अच्छी सी ट्रॉफियां लेके देता हूँ। टॉफी की चॉकलेट। लेडीज फर्स्ट यार। गुड आइडिया, ये नहीं बेटा। क्या है बच्चे, ठीक? हाँ बेटा, बस एक गिलास पानी लेके आओ बेटा। तैयब, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ। ये मेडिसिन किस चीज़ के लिए? बीपी है। करीबी हॉस्पिटल में ले चलता हूँ ना आपको, लेकिन किसी को बताना होगा ना। अरे कहाँ चल दिया भाई? तैयब की तबीयत खराब हो रही है, हॉस्पिटल निकल जा रहा है। क्या हुआ बेटा? उधर बीपी लो आ रहा था, पता नहीं। तो ये रुखसती? मैं चेक करवा के आता हूँ, किसी को बताइएगा नहीं वरना माहौल खराब। तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं देख लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। अल्लाह रहम करे। हाँ मैं आया। हाँ मानो, इधर आ। जी अम्मी। मेरी बात सुन, ये वो गौर की खाला की लड़की है ना? जी। चिपक चिपक के खड़ी हो रही। अम्मी आप छोड़े ना, आपने खाना खाया? केक अट्टा मट्टी ते सुआ, कहाँ से खाना था? किसी ने पूछा ही नहीं मुझे खाने के लिए। पता नहीं मैं तेरे बाप को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ पे चला गया, किस खुट में जाके छुप गया। यहीं कहीं होंगे, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ, ठीक है? हाँ ले आ मेरे लिए खाना, पर तू क्यों नहीं खा रही है? तेरी भूख हड़ताल है। अम्मी मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी। अच्छा बात सुन, बूथी ऐसी क्यों बनाई हुई है पैड़ी सी? एक तरफ फुप्पी का ब्याह हो रहा है, दूसरी तरफ मामे का ब्याह हो रहा है, तेरा खुश हो, शक्ल सही कर अपनी। मैं आती। यार बब्बी, कितनी बातें कर रही है तुमने, मम्मी कॉल पे कॉल आ रही है, चलो। आज क्यों नहीं आई वो? यार उनकी तबीयत थोड़ी डाउन थी इसलिए। तबीयत तो खैर तुम्हारी कजन की भी काफी डाउन है, तुम्हें दाएं बाएं से फुर्सत मिले तो इसकी तरफ भी देख लो। क्या हो गया बबली? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर में दर्द। अच्छा चलो रास्ते से मेडिसिन भी ले लेंगे, चल परसों यूनिवर्सिटी मिलते हैं। अच्छा सुन, कल के लिए सॉरी। हाँ पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तुझे नहीं पता लेकिन मुझे पता क्या हुआ था। अच्छा खैर छोड़, मेडिसिन जरूर ले देना सर। हाँ ले दूंगा, चल। गौर कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? यार वैसे भी लेट हो गई है और रुखसती का टाइम है, तो आई थिंक हमें चलना चाहिए।
और सुनो सब ठीक है? तुमने तो आज मुझे लिफ्ट ही नहीं कराई। आई वॉजन फीलिंग वेल। असफी थैंक यू, तुमने आज मेरा इतना ख्याल रखा। अरे यार डोंट मेंशन इट, जाके टेक्स्ट जरूर करते हैं। हाँ मैं टेक्स्ट कर दूंगी। चलो मानो के बाय 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 असफी। बाय बेटा, तुम अपनी अम्मा को लेके घर जाओ, हम बिट्टू के साथ आ जाएंगे। अब मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं मैं चली जाऊँ। अरे रात हो गई है इतनी। मैं पहली दफ़ा थोड़ी ड्राइव कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, वापस। पापा क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं। परेशानी की बात तो है, फिजी भाई की तबीयत ठीक नहीं है, फराज हॉस्पिटल लेके गया। ओ माय गॉड क्या हुआ है उन्हें? आहिस्ता बोलो, अगर खानदान की किसी औरत ने सुन लिया या इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाएगा। तभी तो मैंने मानून को भी नहीं बताया। मेरी बात हो गई फराज से। क्या कहा उन्होंने? ECG कर रहे हैं, बस अल्लाह रहम करे। अब पापा मैं जाऊँ हॉस्पिटल? नहीं, तुम निदा को और अपनी माँ को लेकर घर जाओ, फिर देखते। चाचा आपने फराज को देखा कहीं? हाँ मैंने उसे किसी काम से भेजा है। तुम लोग असफी के साथ घर जाओ, वैसे ही हॉल बंद होने का टाइम हो गया। जाओ जाओ, शाबाश। ठीक ओके पापा। खाना छाना खा लिया आप लोगों ने? मैं तो दोनों तरफ से हूँ ना, मेरे तो नन का भी ब्याह है और फिर मेरे भ्रा का भी ब्याह है। एक मिनट, अब्बा जी हाँ हाँ हाँ, वो मैं भी दूंगा। बस यार सुनो, वो सती की तैयारी करवा दो। ना अब्बा जी, वो तो मैं कर लूंगी। शुजा साहब नहीं नजर आ रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के मैं ना। अरे शुजा को जरूरी काम था बेटी, वो वहाँ गया, घर आ जाएगा। तुम रुख्सती करवाओ और तुम बनवा घर चली जाना, मैं लोगों को रुख्सत करके आ जाऊँगा। बहन के ब्याह से ज्यादा क्या जरूरी होता है, मैं करा देती। फ्रेश मत करो ठीक। हाय अल्लाह मानो, है गाड़ी क्यों बंद कर दी है? यहाँ पे क्यों रोक ली इतनी सुनसान जगह पर? डाकू पड़वाने हमको, चला को। अम्मी मैंने नहीं बंद की, गाड़ी में कोई मसला हो गया मैं वही चेक कर। जल्दी देखना, मैं चाहती हूँ मैं घर जाके फूलों की पत्तियों से ना उनका सबसे पहले इस्तकबाल करूँ। प्लेटे सेट कर दी थी ना? सेट करनी थी मुझे गाड़ी, तो सेट कर लेने दे। तुम क्यों इतनी अपसेट हो रही है? देख तो सही। अल्लाह पियो को फोन लगा, बता के हमसे गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है। अच्छा सेट करने देना, मैं भी फोन क्या करूं क्या? पुलिस तो नहीं है ये? बाजी आप ठीक तो है? ये पुलिस का सायरन आपने बजाया था? हाँ मैंने बजाया था। भाई भाई मदद कर दो प्लीज, ये बहुत इलाका खतरनाक है बाजी। गाड़ी बंद हो गई हमारी, जाओ पुलिस को बुला के लेकर आ। बाजी ये बहुत खतरनाक इलाका है, मैं खुद जा रहा हूँ। मानो एक भी चला के अम्मी, मानो मानो अपने प्यो को फोन लगा, मैं तुझे बता रही हूँ। ताकू फिर से आ जाइए, ऐसा ना हो कि वो आ जाए। फोन मिलाओ उसको, मैं कर रही हूँ फोन कर रही हूँ। अगर हार्ट की फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम था तो आप मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे थे प्रॉपर? तुम्हारे बाप की वजह से, ताकि जल्द अज जल्द मेरी जान छूट जाए उससे। क्या हो गया ताया बाप? सिर्फ ताया, किसी का बाप बनने की जरूरत नहीं है। रस्सी जल गई मगर बन नहीं जाए। फोन कहाँ है मेरा? वो ताया अम्मी की कॉल आ रही थी, मैंने ऑफ कर दिया था। आप बैठे, हॉल पहुँचा दो मुझे। हॉल बंद हो गया, सब जा रहे हैं घर, चले आओ। मेरी वेस्टकोट कहाँ है? अंदर गाड़ी में रखी है पीछे। उठने की औलाद कोई काम पूरा करती। हेलो जी बाबा जी, वो तबीयत ठीक है उनकी, मैं घर ही आ रहा हूँ उनको लेकर। जी 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 ओके ओके ना। असफी हाँ, मुन्ने चाचा ने बहुत जल्दी रुख्सती नहीं करवा दी? अम्मी कहाँ है? वो तो दुल्हा दुल्हन के साथ गाड़ी में बैठ के चली गई। लो जी, बंदा बता ही देता है, मैं भी हर जगह तलाश कर रहा था उन्हें। क्या हुआ, तुम गए नहीं? बस जा रहे हैं बाबा। अब सुने फराज भाई से बात हुई? वो भी घर ही पहुँचेगा। और ताया बा? वो भी साथ है। सुनो शुक्र है। मानूर जी फरमाइए। असली इमरजेंसी हो गई है, डाकू हमारी गाड़ी की चाबी छीन कर ले गए और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, अम्मी भी बेहोश हो गई है। क्या तुम ठीक हो? कहाँ हो तुम, कौन थे वो लोग? मैं पता नहीं, कोई डाकू थे। मैं तुम्हें लोकेशन पर भेज रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ। अच्छा तुम रोना तो बंद करो, मुझे लोकेशन भेजो फौरन, मैं पहुँच रहा हूँ।
क्या हुआ स्वी? मानो की गाड़ी को शायद डाकुओं ने लूट लिया है, किसी रोड पर खड़ी है वो। मेरे खुदाया वो ठीक तो है ना? ये तो जाकर ही पता चलेगा। मैं लोकेशन पे आ गई है, पापा मैं जाऊँ? हाँ तुम जाओ, मैं बच्चों को लेकर घर जाता हूँ और फोन कर देता हूँ अपने एसपी दोस्त खावर। ठीक है, जाओ जाओ जाओ, फोन कर देना। अल्लाह खैर करे भाई, चलो चलो बुलाओ बच्चों को। चलो जी। हाँ भाई खावर। अम्मी प्लीज उठे, अम्मी अम्मी प्लीज ऐसे मत करें, अम्मी खुद को संभालें। अम्मी उठे प्लीज, खुद को संभालें, अम्मी ऐसे मत करें। अम्मी